राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। यहां के एक अस्पताल में पिछले 2 दिन में 9 और बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 100 हो गया है। कोटा के इस दर्दनाक मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 महीने में 100 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। इसी घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया है। बीएसपी अध्यक्ष ने गुरुवार की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान के कोटा जिले में 100 बच्चों की मौत की खबर बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। ये वहां की अशोक गहलोत सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है। सरकारें अपना काम करें, उनको करना चाहिए। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते। हमारा एक ही कहना है कि किसी भी नवजात बच्चे की या शिशु की या बड़े बच्चे की मृत्यु चिकित्सीय लापरवाही के कारण नहीं होना चाहिए और उपकरणों की कमी के कारण नहीं होना चाहिए। आपको अगर आंकड़े बताऊं आपको, मैं सबसे कम जाने 6 साल में इथल गई है, सबसे कम जाने गई। ये आपको लगता है क्योंकि कोई बात मौत एक भी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है बच्चे की मौत होना, पर मौतें 1500 भी हुई 1 साल के अंदर, 1400 भी हुई है, 1300 भी हुई है, इस साल करीब लगभग 900 हुई है। पर 900 क्यों हुई है, क्यों हो, मौत एक भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पताल के अंदर 3-4-5-7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है, कोई नई बात नहीं। जयपुर में भी होती है, मैंने पूरी तरह वहाँ जाँच करवाई है, एक्शन भी कम कर रहे हैं।